हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैमर क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी स्किन वाइटनिंग एंड एंटी एजिंग क्रीम जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को वाइट एंड ब्राइट एंड ग्लोइंग और यूथफुल बना सकते हैं। सो गाइस, ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव है। आपको इस क्रीम के बेस्ट रिजल्ट ही मिलेंगे। सो गाइस, अगर आपके स्किन में टैनिंग हो गई है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, साथ ही साथ 30 की एज के बाद बहुत लोगों की स्किन में रिंकल्स हो जाते हैं, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके आपको यंग, ग्लोइंग और यूथफुल स्किन मिलेगी। सो गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हमें इस क्रीम को किस तरीके से रेडी करना है और किस तरीके से इसे यूज़ करना है। सो गाइस, इस क्रीम को बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी गेहूं के आटे की, यानी व्हीट फ्लोर। सो गाइस, नॉर्मल सबके घर में अवेलेबल होता ही है व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा। उसके बाद हमें चाहिए एलोवेरा जेल। सो गाइस, एलोवेरा जेल के बाद हमें चाहिए होगा आलमंड ऑयल। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए विटामिन ई कैप्सूल। सो गाइस, अब इस क्रीम को किस तरीके से रेडी करना है और किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले इस क्रीम को बनाने के लिए आपको एक क्लीन बोल चाहिए जिसमें आपको 2 से 3 चम्मच व्हीट फ्लोर ऐड करना है, यानी गेहूं का आटा। उसके बाद आप इसमें 2 से 3 चम्मच डालिए रोज़ वाटर। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच रोज़ वाटर ऐड किया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सो गाइस, आपको जब तक मिक्स करते रहना जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। ये देखिए इस तरीके से। सो गाइस, ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है। उसके बाद आपको एक बोल लेना है जिसमें आपको छलनी की हेल्प से इस मिक्सचर को अच्छे से स्टेन कर लेना है, छान लेना है। सो गाइस, गेहूं का आटा हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारी स्किन को नेचुरली वाइट एंड ब्राइटन करेगा, ग्लोइंग करेगा और स्पॉटलेस बनाएगा। सो गाइस देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक विटामिन ई कैप्सूल लेनी है, उसको आपको ऐड करना है। सो गाइस, विटामिन ई कैप्सूल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये हमारी स्किन से दाग धब्बों को दूर करेगी, साथ ही साथ हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी। सो गाइस, विटामिन ई कैप्सूल डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें 5 से 6 ड्रॉप आलमंड ऑयल की डालूंगी। सो गाइस, आलमंड ऑयल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारी स्किन के लिए। सो गाइस, इसको भी आपको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो गाइस, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच एलोवेरा जेल। सो गाइस, एलोवेरा जेल भी हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये हमारी स्किन से टैनिंग को रिमूव करेगा, साथ ही साथ हमारी स्किन पर अगर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, तो वो भी दूर होगी। सो गाइस, एलोवेरा जेल डालने के बाद आपको इसे काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपको एक स्मूथ क्रीमी सा पेस्ट तैयार कर लेना है। सो गाइस, आप देख सकते हैं जैसे जैसे इसे मैं मिक्स कर रही हूँ, एक स्मूथ क्रीमी पेस्ट तैयार हो गया है। सो गाइस, आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसी क्रीम लग रही है। सो गाइस, ये हमारी व्हीट फ्लोर क्रीम एकदम रेडी हो चुकी है। सो गाइस, गेहूं का आटा बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव है हमारी स्किन के लिए। सो गाइस, आप इस क्रीम को ज़रूर ट्राई कीजिए। सो गाइस, अब आपको एक क्लीन कंटेनर लेना है जिसमें आप इसे 8 से 10 दिनों तक इजीली फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं इस क्रीम को। सो गाइस, आप इसे सिर्फ थोड़े दिन के लिए बनाएं ताकि आप जितना भी इसको फ्रेश यूज़ करेंगे उतने आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। सो गाइस, मैं प्रेफर करती हूँ कि आप इसे फ्रेश बनाएं और फ्रेश यूज़ करें। सो गाइस, ये क्रीम आपके स्किन पर ग्लो लेकर आएगी, साथ ही साथ अगर आपके स्किन में एक्ने पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो उसे भी दूर करके आपको एक वाइट एंड ब्राइट एंड स्किन देगी। सो गाइस, अब इसे किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, इसको यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद फिंगर टिप की हेल्प से अपने पूरे फेस पर इस क्रीम को अप्लाई करना है और उसके बाद आपको 1 मिनट तक अच्छे से अपने फेस की मसाज करनी है। सो गाइस, इस क्रीम को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके स्किन पे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, टैनिंग, रिंकल्स, फाइन लाइंस, वो सारी दूर हो गई है और आपको एक यंग, ग्लोइंग और यूथफुल स्किन मिलेगी। सो गाइस, अगर आपको इसके बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसे दिन में 2 बार ज़रूर ट्राई कीजिए। एक सुबह और एक रात को सोने से पहले आप इस क्रीम को ज़रूर ट्राई कीजिए।
यकीन नहीं मानोगे आप, मार्केट की महंगी महंगी क्रीम इस क्रीम के आगे फेल है, आपको इसके इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जो एकदम फ्री है। सो गाइस मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।